आज मैं बनाने वाली हूँ बथुए का पराठा और ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ले लिया है मैंने बॉइल्ड स्पिनच लीव्स मैंने ले लिया है बथुए के पत्ते और इनको मैंने साफ़ कर लिया है और साफ़ करने के बाद एक सीटी आने तक इसको पका लिया है और पकाने के बाद हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए रख देंगे स्ट्रेनर में एक साइड। और ये देखिए इस तरीके से सारा आप बथुआ निकाल दीजिए और इसे स्ट्रेन होने के लिए रख दीजिए। और इसके बाद ले लीजिए आप आटा, क्वांटिटी आप अपने हिसाब से लीजिएगा। मैंने यहाँ पे एक कप आटा ही लिया है। तो इसे अभी हम इसमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे, थोड़ा ही बस, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी मिर्च और थोड़ी सी डाल देंगे हम इसमें हल्दी। और थोड़ा सॉफ्टनेस के लिए मैं इसमें थोड़ा सा मीठा सोडा डाल दूँगी और इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप मसाले और भी इसमें ऐड कर सकते हो जो आप चाहें, मैं बहुत थोड़े मसाले यूज़ करती हूँ तो इसलिए मैंने इसमें सिर्फ ज़रूरत के अनुसार ही चीज़ें डाली हैं। और अभी हम इसमें डाल देंगे जो बथुआ हमने स्टेन करके रखा हुआ है ये, और ये जो बथुआ है ये अच्छे से ठंडा नहीं हुआ है, हल्का हल्का गर्म है और हमें इसी स्टेज पर इसको इसमें मिक्स कर देना है अच्छे से, क्योंकि जब तक ये गर्म है और जो इसके पत्ते अभी पूरे पूरे हैं वो इसमें मतने आटे में मतने के बाद वो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। अगर ज़्यादा ठंडा हो गया तो थोड़ा बथुआ जो है हार्ड सा हो जाता है। तो इस तरीके से आप इसे आटे में मिक्स कर दीजिएगा और पानी नहीं डालना है हमें इसमें अभी, क्योंकि अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम इसमें पानी ऐड करेंगे और आटा ज़्यादा था इसलिए इसमें थोड़े पानी की ज़रूरत पड़ी है तो मैंने इसमें पानी डाल दिया है। आप थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिएगा, आटा अगर कम होता तो ये इसमें ही अच्छे से मिक्स हो जाता, पानी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आप देख करके थोड़ा थोड़ा पानी करके इसमें डाल दीजिएगा और इस तरीके से इस आटे को बना लीजिए। और ना ज़्यादा हमें हार्ड बनाना है आटा और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट, अच्छा सा आटा बना के तैयार करना है, मुलायम सा। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि इसमें इस तरीके से मुक्की लगाने के बाद हम इसे ढक करके रेस्ट करने के लिए रख देंगे 5 से 7 मिनट के लिए। थोड़ा सा पानी इसके ऊपर लगा दीजिए और फिर इसे किसी कपड़े से ढक दीजिएगा और 5 से 7 मिनट के लिए इसे रेस्ट करने दीजिएगा। और इसके बाद देखिए जो आटा है ना तो हाथों पे चिपक रहा है और अच्छे से बन गया है आटा सॉफ्ट सा। तो इसे इस तरीके से मतने के बाद थोड़ी देर हम इसके पराठे बना लेंगे और हमारा आटा तैयार है। तो देखिए आटा बिल्कुल बहुत ही अच्छा तैयार हुआ है। अब हम इसकी एक लोई बना लेंगे और एक पतली सी रोटी बेल लेंगे, ना तो ज़्यादा मोटी होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा पतली होनी चाहिए, रोटी बिल्कुल मीडियम सी होनी चाहिए जैसी हम रोटी बनाते हैं इसी तरीके की, क्योंकि ज़्यादा पतली इसकी रोटी बनाओगे तो ये जो हमारे पराठे हैं ज़्यादा हार्ड से हो जाएंगे। तो ठीक ठीक सी इसकी रोटी बनानी है और मैंने यहाँ पे वीडियो की स्पीड को तेज कर दिया है और रोटी को बेल लिया है। अब इसे आप सेक लीजिएगा, जो भी आप घर में यूज़ करते हो ऑयल घी जिससे भी आप इसको बनाना चाहते हो बना लीजिए। और ये मैंने इसको डाल दिया है और जब हम इस रोटी को तवे पर डालें तो हमारा तवा अच्छे से गर्म होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए, नहीं तो पराठा अच्छा नहीं बनेगा, अच्छा सा गर्म होना चाहिए। और एकदम से हम इसे पलट के उस पर घी लगा देंगे, दोनों तरफ हम पलट पलट के इस पर घी लगा लेंगे और उसके बाद हम इसे अच्छे से सेक लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे देसी घी का यूज़ किया है, आप जो चाहे यूज़ कर सकते हो। और सेक लीजिए इसे अच्छे से और ये देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है पराठा और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करो, अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप ज़रूर सब्सक्राइब तो ज़रूर किया करो और लाइक भी किया करो वीडियो को। तो ये देखिए हमारा पराठा बनके तैयार हो गया है और आप इसे सर्व कीजिएगा मक्खन के साथ, मक्खन के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ये, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
मेरी वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।